लास्ट सीन में देखा मिस्टर शाह और असर घिसता है, कुछ नहीं मिलता। बार बार करने पर भी मिठू कहती है कोई बात नहीं, इसमें जल्दी किसी को मिलता भी नहीं है। गावन कहती है डॉक्टर ली क्यों नहीं तुम ट्राई करते, तुम एक बार ट्राई तो करो। डॉक्टर ली खींचता है तो एक पहली बार में ही डॉल आ जाता है खूबसूरत सा, ये मिठू को पसंद आता है। तो डॉक्टर ली कहता है कि ये डॉल तुम ही रख लो अगर तुम्हें पसंद है तो। मिठू बहुत खुश होती है। तभी गावन कहती है कि ये डॉल मुझे मिलना चाहिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैंने कहा था तुम्हें निकलने के लिए। तो मिठू दे देती है डॉल, कहती है कि हाँ ये गावन को ही मिलना चाहिए, आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है। चारों आगे बढ़ते हैं तो गावन कहती है कि मुझे अब उठा के ले चलो, मैं अब नहीं चलूँगी, और डॉक्टर ली के पीछे चढ़ जाती है। तो डॉक्टर ली उसे ले जाता है। ये देखकर मिठू को याद आता है वो जो पिछली बार उठा कर ले गया था डॉक्टर ली, और उसे सैड सा चेहरा रहता है। तो डॉक्टर मिस्टर साव बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, उसे देखकर जलन हो रही है। तो मिठू कहती है नहीं तुम हो ना मेरे साथ और क्या चाहिए। मिस्टर लिन याची से मिलता है और मिस्टर लिन हंस रहा होता है कि तुम हार गई, मिस्टर साव को नहीं पा पाई। तो याची बोलती है इतने जल्दी फैसला कर लिए, अभी हारी नहीं हूँ। मिस्टर लिन एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। याची देखती है फ़ोटो तो कहती है इसमें क्या है। मिस्टर लिन कहता है अगर क्या हो, अगर न्यूज़ आ जाए मिस्टर साव और गावन दोनों फिर से बैचअप हो गए तो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन अपने गर्लफ्रेंड सीवे के लिए गिफ्ट ले गया हुआ रहता है। तो सीवे कहती है कि पहली बार मेरे लिए किसी ने गिफ्ट दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिस्टर लिन कहता है गिफ्ट खोल के तो देखो क्या है। सीवे गिफ्ट खोलती है तो एक ड्रेस रहता है बढ़िया सा। तो मिस्टर लिन कहता है ये ड्रेस तुम पहन कर कल इवेंट में आओगी। गावन का असिस्टेंट गावन को बताता है कि तुम्हारा पेपर में फ़ोटो आया है काफ़ी अच्छा है। गावन कहती है आखिर क्या है। तो गावन देखती है पेपर में तो उसका और मिस्टर साव का बैचअप हुआ है ये न्यूज़ में आया है। तो सीवे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। तभी असिस्टेंट रोकता है और कहता है कि इसकी वजह से तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ गया फिर से पहले की तरह, तुम्हें और भी शूटिंग के लिए बुलाए जाएंगे, अब रहने दो। गावन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब डॉक्टर ली के साथ हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। असिस्टेंट मना करता है और समझाता है, फिर भी गावन कहती है नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और तुम इसे जाकर क्लियर कर दोगे। और वहाँ से गावन चली जाती है। मिस्टर लिन फादर के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि फादर फादर आपको पता है मिस्टर साहब फिर से समस्या में पड़ गए हैं। फादर बोलता है आखिर क्या हुआ अब इस बार। तो मिस्टर लिन कहता है ये देखिए पेपर में साहब और गावन फिर से बैचअप कर रहे हैं, ये पेपर में आया है। फादर बोलता है ये सब झूठ है ऐसा कुछ नहीं है, और तुम जितने भी गेस्ट आने वाले हैं इवेंट में वो तुम संभाल लेना, किन को बुलाना है सो देख लेना। और मिस्टर लिन कहता है कि मिठू का क्या करना है, मिठू भी वहाँ आएगी मिस्टर साव के साथ। तो फादर बोलता है कोई बात नहीं उसे मैं देख लूँगा तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में मिठू डिजाइन देती है बना के तो उसे काफ़ी पसंद आता है, और वो आदमी कहता है कि बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया। मिठू बोलती है सॉरी पर मैं ये डिजाइन आगे बढ़ा नहीं सकती डिजाइन बनाने के लिए, अब मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। तो कस्टमर बोलता है कोई बात नहीं मैं ये खुद कर लूँगा। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और कहती है मिठू से कि कल तुम रेडी हो रहना चलना है इवेंट में। मिस्टर लिन याची से फिर मिलता है और याची बोलती है कि कल चैरिटी ऑक्शन इवेंट है मैं भी आऊँगी। मिस्टर लिन बोलता है तुम वहाँ आकर क्या करोगी, वहाँ पर तो डायमंड सब अपना अपना बोली लगाते हैं उसमें क्या करना तुम्हारा। याची बोलती है कि वो तुम नहीं समझोगे इसलिए तुम प्रेसिडेंट नहीं हो डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड हो, नेकलेस के लिए आ रही हूँ जो माई क्वीन नाम से है, वो नेकलेस मिस्टर साव ने बनाया था वो अपने वाइफ को देने के लिए, और उस ऑप्शन में मैं वो नेकलेस ले लूँगा। गावन डॉक्टर ली के साथ इवेंट में जाती है तो वहाँ पर सभी कोई फ़ोटो शूट करते हैं। तो गावन अलग अलग पोज देती है, डॉक्टर ली कहता है हो तो क्या है अब कितना करवाना है। गावन कहती है बस स्माइल करते रहो, और अलग अलग पोज देते रहती है गावन। वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि आखिर आपके और साव के बीच क्या चल रहा है। तो गावन कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, हम दोनों केवल फ्रेंड हैं इसलिए घूमने गए हुए थे, और मेरा बॉयफ्रेंड ये है डॉक्टर ली, मैं इसी को पसंद करती हूँ।
तभी बगल से याची जा रही होती है। तो कावन कहती है, याची जा रही है आखिर क्यों? डॉक्टर ली कहता है, क्या याची जा रही है, वो यहाँ क्यों आ? आगे फिर से कावन फ़ोटो खिंचवाने लगती है डॉक्टर ली के साथ। नेक्स्ट सीन में मिटुओ को उसका मैनेजर ड्रेस देता है वेट्रेस का और कहता है कि ये ड्रेस पहनकर सर्व करो। मिटुओ कहती है, वेट्रेस मुझे तो रिसीव करना था ना। मैनेजर कहती है उसकी, तुम्हें जो कहा गया वो करो, और वहाँ से चली जाती है मिटुओ। मैनेजर फ़ोन करके मिस्टर साओ के फादर से बात कर रही होती है और कहती है कि आपने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है, मिटुओ को वैसा ही किया गया। मिस्टर साओ का फादर आता है इवेंट में और मिस्टर साओ उसे रिसीव करते हैं। चैरिटी शुरू होता है, सभी कोई बैठे हुए रहते हैं, अलग अलग डायमंड दिखाए जाते हैं। डॉक्टर ली और गावन खान इधर उधर आसपास देख रही होती है। वहाँ पर यह अच्छी भी रहती है मगर मिटुओ कहीं नहीं दिख रही होती है। पूछती है कि आखिर मिटुओ कहाँ है, उसे दिखता नहीं है। तो मिटुओ आती है ड्रिंक लेके, तो उसका मैनेजर बोलती है कि फर्स्ट टेबल पर जाकर सर्व करो। वहाँ पर जाती है सर्व करने के लिए, तभी वहाँ देखती है मिस्टर साओ को और मिस्टर साओ भी देख लेता है मिटुओ को। मिटुओ वापस आने लगती है तो उसका मैनेजर उसके हाथ से प्लेट गिराती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। ये देखने के बाद मिटुओ नीचे से उठाने लगती है और तभी वहाँ मिस्टर साओ भी आता है। मिस्टर साओ के फादर बोलते हैं कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे निकाल दो। मिटुओ अंदर चली जाती है प्लेट लेके, तभी पीछे पीछे मिस्टर साओ भी आता है। तभी मिटुओ कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, अगर कोई देखेगा तो ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा, वेट्रेस के साथ तुम्हारा नाम सही नहीं रहेगा, वापस चले जाओ। मिस्टर साओ कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर ली वो भी उठ के जाने लगता है मिटुओ की ओर, तभी वहाँ कावन उसे रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तो डॉक्टर ली कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में बात करना था, वो उसी के लिए जा रहा हूँ। और अलग अलग देखने लगता है, ढूंढता है। मिस्टर साओ मिटुओ को कहता है कि ये नेकलेस आप पहन लो और तुम पर अच्छा लगेगा, और ये मेरा आखिरी नेकलेस है माई क्वीन। मिस्टर साओ कहता कि अब तुम स्टेज पर जाओगी एक नेकलेस पहन के, और नेकलेस पहना देता है और पहले का नेकलेस उतार कर रख देता है। हाँ, स्टेज पर जाने से पहले उसको याद आता है कि डॉक्टर ली के द्वारा नेकलेस दिया हुआ वो ऐसा ही है। मिस्टर साओ को कहती है कि मेरा एक नेकलेस अंदर ही रह गया, रुको मैं लेकर आती हूँ। तो मिस्टर साओ कहता है, तुम एक मामूली से नेकलेस के लिए क्या करोगी, छोड़ो उसे, पहले स्टेज पर जाने का टाइम हो गया, चलो। मिटुओ स्टेज पर जाती है, मिस्टर साओ वापस आकर फादर के पास बैठता है। तो फादर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे क्या हमारा इम्प्रेशन पड़ेगा सभी पर। मिस्टर साओ कहता है, ये सब आप ही ने शुरू किया है, मिटुओ से ऐसा करवाने की क्या ज़रूरत थी। अंदर में डॉक्टर ली देख लेता है नेकलेस कि ये मेरा नेकलेस इसी तरह उतार कर छोड़ दिया गया हुआ है। तो वो वापस वो नेकलेस लेकर बैठ जाता है गावन के साथ, और मिस्टर साओ के फादर वहाँ से चले जाते हैं, मिस्टर लिन भी चला जाता है वहाँ से। तो उन बोली शुरू होता है उस नेकलेस का माई क्वीन का, तो बोली में सभी कोई बोली लगा रहे होते हैं। अंत में याची बहुत ज़्यादा बोली लगा रही होती है 700, फिर बाद में कोई और बोला था 800 लगाती है याची, फिर कोई और बोला था 900 लगाती है। मिस्टर साओ खड़ा होता है और बोलता है कि 1 मिलियन। इसके बाद कोई नहीं बोलता, सब कोई शांत हो जाते हैं। 1 मिलियन के साथ बोली ख़त्म होता है। मिस्टर साओ स्टेज पर आता है, मिटुओ उतार कर देने जा रही होती है, तभी मिस्टर साओ कहता है उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। मिटुओ का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और मिस्टर साओ मिटुओ को स्टेज पर ही हाथों को चूम लेता है। ये देखने के बाद याची को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। मिटुओ वापस वो नेकलेस ढूंढने के लिए जाती है मगर मिलता नहीं है। तो मिस्टर साओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी को कह दिया हूँ और वो देख लेंगे। मिटुओ कहती है, नहीं मैं ढूंढूंगी। और वापस जाते समय डॉक्टर ली के पॉकेट से गिर जाता है। कावन कहती है, ये क्या गिरा तुम्हारा पॉकेट से, देखने लगती है तो वो नेकलेस रहता है। तो कहती है, ये पहचाना हुआ लग रहा है। डॉक्टर ली कहता है, लाओ इसे रख लेता हूँ, ये मुझे मिला अंदर में। तो गावन कहती है, ये तो मिटुओ का है, उसे देना चाहिए, उसको ज़रूरत होगा। डॉक्टर ली कहता है, उसे क्या ज़रूरत है, उसे तो नया डायमंड का मिल गया, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है। कावन कहती है कि क्या पता उसे ज़रूरत हो, मैं दे के आती हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है कि देना जाओगी, अब मैं थका हूँ, वापस नहीं जाऊँगी। और गावन को कार में बैठाता है और चल देता है। अगले दिन मिस्टर साओ ऑफिस में रहता है तो उसको फ़ोन आता है, मिटुओ की हुई रहती है। मिटुओ कहती है कि मैं जॉब पे कैसे जाऊँ, सभी कोई रिपोर्टर होंगे, सभी रिपोर्टर सब मुझसे पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे।
मिस्टर साहब कहता है कि तो तुम्हें यहाँ ऑफिस में बुला लूँ, यहीं पर काम करने के लिए, यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं आएगा। मिडुओ कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। मिडुओ शॉप में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर बहुत से कस्टमर आते हैं और मिडुओ का फ़ोटो लेने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा डायमंड मिलेगा। मिडुओ वो सब कहती है ठीक है मिले जाएगा। एक लेडी कहती है कि ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बिल्कुल सिंड्रेला की तरह महसूस कर रहे होंगे।